उपसभापति जी, पिछले 1-1.5 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ताकत का मद और भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। बड़ी ताकतों की नीति हो गई है कि लड़ाई अपनी ज़मीन पर नहीं बल्कि विकासशील देशों की ज़मीन पर लड़नी चाहिए। गरीब देश शतरंज के खेल के प्यादे हो रहे हैं। इस शीत युद्ध के काले बादल हमारे एशियाई क्षेत्र में आ गए हैं। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में तनाव विशेष रूप से बढ़ गया है। अमेरिका ऐसा समझता है कि रूस को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। निक्सन की यही पॉलिसी थी और इसलिए अमेरिका, जापान और चीन का एक गुट बना हुआ था। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भी कई ऐसे तत्व हैं जो इस नीति का समर्थन करते हैं। इसी नीति के अनुसार पाकिस्तान को अमेरिका ने हथियार बेचने का काम शुरू किया है। आज वस्तुतः स्थिति यह है कि पाकिस्तान की फौजी सरकार को वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन हमें यह साफ कर देना चाहिए कि कोई भी देश यदि यह समझता हो कि वह पाकिस्तान को हथियार देकर इस लायक कर देगा कि वह रूस से लड़ने के लिए समर्थ हो जाएगा, तो वह भ्रम में है। मान्यवर, बुनियादी चीज़ यह है कि पाकिस्तान को केवल हथियार दे देने से पाकिस्तान ताकतवर नहीं हो जाएगा, और मुझे भी शंका है कि कहीं ये हथियार पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ही प्रयोग ना हो, जहां की जनता प्रजातांत्रिक आंदोलन चला रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने शिमला समझौता करके जो मैत्री की भावना पैदा की, मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान का भी मामला है। एक तरफ तो पाकिस्तान की यह स्थिति है और दूसरी ओर चीन, जिसने कि हमारी हजारों वर्ग मील भूमि वर्षों से दबाई हुई है, वह बॉर्डर पर पक्की सड़क बना रहा है। चीन भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए चीन से भी जो हमारी सरकार बात करे उसमें सोच समझकर इस चीज़ को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। मान्यवर, बड़ी ताकतों को तो हथियारों की लड़ाई से फ़ायदा होता है, उनके हथियार बिकते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, उनका जो पैसा विकास के कामों में लगना चाहिए वह हथियार खरीदने में चला जाता है। उससे हमारी इकोनॉमी ख़राब होती है। इसलिए हमें बराबर शांति के प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ ही देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। उनको इस बात को समझाना चाहिए कि लड़ाई से किसी भी देश का हित नहीं होता है, शांति प्रयासों से भी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। मान्यवर, शांति प्रयासों के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। हमको अपनी मारक शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए। जिन देशों ने हमारा साथ दिया है, जो हमारे मित्र रहे हैं, हम उनके आभारी हैं, और उनकी जो मित्रता है उनको हमें और भी बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको केवल बाहरी सहायता पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि विकासशील देशों में नई तकनीकें आएं। जो भी प्रगति तकनीकी क्षेत्रों में हुई है उनका पूरा लाभ गरीब देशों को मिलना चाहिए। इसके लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, सभी संभव उपाय करने के लिए भारत सरकार पहल करे। उपसभापति जी, विदेश नीति के बारे में हमारे मित्रों ने जो कुछ अभी कहा उसमें एक हिस्सा बिल्कुल स्पष्टता मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने अपने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाया है। लेकिन जहाँ तक नीति का मामला है, मैं समझता हूँ कि आज धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं। अब अगर तुलना की जाए तो आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं था, तभी दुनिया में हिंदुस्तान की जो तस्वीर थी, हिंदुस्तान के नेताओं की, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, उनके बारे में संसार में जो इज्जत थी, मैं नहीं समझता कि जिस ढंग से हमने अपनी विदेश नीति को चलाया है उससे आज वह स्थिति बरकरार रही। मैं इस चीज़ को भी कबूल करता हूँ कि सारी बातें चंद सालों में नहीं हो जाती। यह हकीकत है कि देश के बंटवारे से जो स्थिति पैदा हुई, आज कोई मेरे जैसा आदमी कहे कि देश के बंटवारे को कबूल करना एक बड़ी भूल हुई है, तो इसमें दो रायें नहीं हो सकती। इसी तरह इतिहास की अगर मिसाल देनी है तो मैं यह कहूँ कि 1950 में जब नेपाल में वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान की मदद चाही और कहा कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, तो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया।
इस हकीकत को मानने से इनकार करने पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, या मैं नहीं कहता, लेकिन जब लोग तुलना करेंगे देश की विदेश नीति की कि हमने क्या हासिल किया, तो हमारे मन में ये सारी बातें जरूर रहेंगी। हम समझते हैं कि जैसे अभी कहा गया कि निरस्त्रीकरण 10 या 15 साल की देन नहीं है, बल्कि जब से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तभी से हम कह रहे थे कि दुनिया भर के लोगों की आज़ादी के हम समर्थक हैं। यह जो इतिहास की परंपरा हम लोगों की रही, आज़ादी की लड़ाई के वक्त की देन रही, उसकी अगर आज से तुलना करें तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम लोग बहुत नाकामयाब रहे हैं। इसीलिए आज खतरनाक स्थिति का दौर इतना बढ़ गया है कि ना जाने कब जंग छिड़ सकती है। अगर इसमें हमने कमजोरी दिखाई तो देश एक बड़ी खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। श्रीमान, विदेश नीति के हम लोगों के उस समय क्या उद्देश्य थे और आज क्या हैं, इसके बारे में हमारी नीति, हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विदेश नीति में गड़बड़ी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम इस खतरनाक दौर को समझें, और अगर हमको देश में युद्ध का वातावरण नहीं बनाना है और उससे देश को बचाना है तो हम पाकिस्तान के बारे में क्या सही अनुमान लगा सकते हैं, इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उसकी हथियार की ताकत में कोई असंतुलन है। पाकिस्तान को हथियारों से लैस करने की जो अमेरिका की नीति है उससे हमें सावधान रहना होगा। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे दुश्मनों की निगाहें हमारी ओर बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो विदेश मंत्री चीन के आ रहे हैं उनके आने से हमारी सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चीन के साथ अच्छा रिश्ता रखना है तो उसका कुछ सबूत उनको देना ही होगा।